हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एडुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, JSSC CGL के लिए खास। JSSC CGL का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज जो सब इंस्पेक्टर में मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस और झारखंड का, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो सब्जेक्ट का लेकर आया हूँ, साइंस और झारखंड का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सेट जो है झारखंड सब इंस्पेक्टर मेंस में पूछेगा सवाल। देखिएगा दोस्तों, साइंस का पहला क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे है। कमरे का तापमान पर सरल अवस्था में मौजूद धातु है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मरकरी। जी हाँ दोस्तों, मरकरी। कमरे का ताप पर मरकरी मिलता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, मरकरी जिसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर टू, कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड पानी नरम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्ड पानी यानी कि कठोर जल को नरम करने के लिए कौन सा सोडियम का है कंपाउंड, बताइए दोस्तों। कंपाउंड या फिर मिश्रण कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, चलिए वॉशिंग सोडा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है इथाइन आणविक सूत्र C2H6 रखता है। जी हाँ दोस्तों, इथाइन आणविक सूत्र C2H6 रखता है। तो ऑप्शन ए में है 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, बी में है 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 नवम है 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 में 2 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, 4 में 2 कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब देखिएगा, इसका सही आंसर होगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर यानी कि इथाइन जो होता है 7 कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, जिसका सूत्र होता है C2H6। इथाइन का सूत्र याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सूत्र दिया हुआ है C2H6 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। देखिए सर, परमाणु संख्या 19 के साथ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। चलिए बताइए, अगर किसी परमाणु का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, अगर उनका 19 है तो। देखिए दोस्तों, 19 है तो उसका हम बता देते हैं, जैसे कि ये होगा 19 है तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, पहले वाला में 2 होता है, दूसरे वाला में 8, दूसरे वाला फिर तीसरे वाला में 8, 2 8 8 फिर होता है 18 या फिर 18 फिर 32 32, इसी टाइप का होता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 19 बोला है तो 19 यानी कि 2 8 8 कितना हुआ दोस्तों, 2 8 10 8 18, तो और ज़रूरत कितने, 1 यानी कि 1 और दे दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए में हमारा यही होगा जो सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव। मनुष्य में गुर्दे का एक हिस्सा है, गुर्दे प्रणाली का हिस्सा, मतलब गुर्दे का कौन सा इनमें से कार्य है। ऑप्शन ए मल त्याग, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो गुर्दे है हम लोग का मल त्याग यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे छानता और त्याग करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मल त्याग इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखिएगा, इसका मल त्याग ही सही है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे का क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दोस्तों, क्रोमोसोम संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, क्रोमोसोम संबंधित है किससे, बताइए दोस्तों, क्रोमोसोम संबंधित है किससे। तो आप बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है वंशानुगत चरित्र का ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी परिपक्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वंशानुगत चरित्र का ट्रांसमिशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम किसने दिया, बताइएगा दोस्तों, फैराडे, बोर, मैक्सवेल, आइंस्टाइन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम जो था दिया था किसने, तो फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो इसका जवाब दिएगा दोस्तों, तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है दोस्तों 0.03%, लेकिन यहाँ पर 0.033 है, लेकिन यहाँ पर 0.03 नहीं है, तो 0.04%। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है
0.04%। ठीक है दोस्तों, ये 0.04% आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना दोस्तों, उसका प्रेरक बल यानी कि सूर्य ऊर्जा, बायोमास, क्रमागत उन्नति, पौधे। तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा यह कि ऑप्शन ए में सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी क्या है। देखिएगा यहाँ पर दिया विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी एक पानी घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी एक मैक्रो खनिज, विटामिन डी अकार्बनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन डी जो है एक वसा में घुलनशील है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ए डी ई के ये सब जो होता है, ए डी के ये सब होता है वसा में घुलनशील। चलिए आगे देखते हैं, और सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। देखिए किसका दोस्तों, लोहा, पानी, किरोसिन, लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व आप देख सकते हैं लोहा है, क्योंकि लोहा को अगर आप पानी में डुबाइएगा तो डूब जाएगा, किरोसिन में डूब जाएगा, लकड़ी क्या होता है पानी में तैरने लगेगा, तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या प्राणी विज्ञान के पिता है। तो प्राणी विज्ञान के फादर ऑफ जूलॉजी, अगर आपको हिंदी में नहीं समझता फादर ऑफ जूलॉजी, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग कहते हैं अरस्तो को। ठीक है दोस्तों, अरस्तो देखिएगा करेक्ट आंसर अरस्तो है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम का बना होता है यानी क्रोमोसोम किसका बना होता है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है बताइए दोस्तों, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। जी हाँ दोस्तों, डीएनए और प्रोटीन का क्रोमोसोम बना होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। आगे देखिए 14 में जीन शब्द किसने बनाया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जीन शब्द सर्वप्रथम किसने बनाया। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने बनाया था दोस्तों, जोहानसन ने। जी हाँ दोस्तों, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एड्स प्रभावित करता है किसे। एड्स बीमारी आप जानते हैं दोस्तों, तो ये प्रभावित किसे करता है। तो ये प्रभावित करता है हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं बॉडी की, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ए, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। आगे देखें दोस्तों, अदरक है, अदरक क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अदरक है एक राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है और संशोधित जड़ है। बताइए दोस्तों अदरक क्या है, इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा राइजोम, यानी कि तने का भाग है ना दोस्तों, अदरक एक तने का भाग है तो राइजोम हो गया इसका सही आंसर। चलिए आगे देखें दोस्तों, प्लाज्मा में पानी प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत होता है दोस्तों 90-91, यानी कि 90 से लगभग 91% पानी होता है। ठीक है दोस्तों, 90-91% पानी होता है। चलिए दोस्तों देखिएगा, सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अनरिएक्टिव, चमकीला और मैलिएबल होता है। अनरिएक्टिव होता है, चमकीला होता है, मैलिएबल। देखिएगा दोस्तों, सोना तो पहली बात अनरिएक्टिव होता है हम जानते हैं, क्योंकि सोना दूसरी बात प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। यह अनरिएक्टिव तो होता ही, साथ में चमकीला भी होता है और मैलिएबल यानी कि ये बहुत मैलिएबल है, इसकी तन्यता जो होता है बहुत होता है, ये इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसलिए हम उसे आभूषण बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन को है, क्वेश्चन नंबर 19, रेशम बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेशम किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए ककून, ऑप्शन बी लार्वा, ऑप्शन सी वेस्किट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों रेशम किससे बनाया जाता है। इसका तो सही करेक्ट इसका आंसर होगा दोस्तों ककून। जी हाँ, ककून से ही रेशम बनाया जाता है, ककून याद रखिए दोस्तों, ककून। ठीक है, ककून से रेशम बनाया जाता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इको के वजह से होता है। इको जो दोस्तों किसके वजह से होता है, तो इको जो ध्वनि का परावर्तन जिसे हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इको जो होने का एक वजह होता है ध्वनि का परावर्तन, यानी कि जो चमगादड़ उड़ता है तो उसे ध्वनि का परावर्तन से ही, जब चमगादड़ उड़ता है तो एक तरंग छोड़ता है जो कि दीवार से टकरा के पुनः उसके वापस आता है, इसी वजह से वो उड़ पाता है, तो जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है,
रिफ्लेक्शन, ध्वनि का प्रतिबिंब या फिर परावर्तन कहते हैं इसे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आप झारखंड के जो क्वेश्चन थे झारखंड से रिलेटेड वो सवाल आ गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। जी हाँ दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है? तो बोकारो स्टील प्लांट एशिया में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर दो देखिएगा, गर्म पानी का तालाब कावा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, गर्म पानी का तालाब कावा कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी का तालाब जो कावा स्थित है हजारीबाग में, यानी कि हजारीबाग में, और सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड भी हजारीबाग में ही लगभग पाया जाता है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, हजारीबाग में। ठीक है, आगे देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे? चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा है छोटा नागपुर? छोटा नागपुर क्षेत्र पता है रांची वगैरह जो आता है उसमें, तो पहला कौन सा था? तो पहला क्रांतिकारी वो कौन था दोस्तों? बुद्धू भगत। जी हाँ दोस्तों, बुद्धू भगत जिसे कहते हैं या फिर बुद्धा भगत दिया हुआ, वही होगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पे बुद्धू भगत है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है किन धर्मों के लिए? पारसनाथ तीर्थ यात्री के लिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जैनियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैनियों के लिए है इसका सही आंसर। पारसनाथ पहाड़ी जैनियों के लिए, जो झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी है। याद रखिएगा, पारसनाथ की लंबाई लगभग 1365 मीटर है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, भारत के कुल संसाधनों में से लगभग हिस्सा झारखंड का। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो खनिज संसाधन है उसमें झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका झारखंड का हिस्सा 40% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 40% झारखंड का हिस्सा है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 1965 में धोरी कोलियारी में आई आपदा का कारण था। धोरी कोलियारी जो, हाँ दोस्तों, 1965 में धोरी कोलियारी में एक आपदा आई थी, तो उसका क्या रीज़न था? तो ऑप्शन ए था विस्फोटक से आग लगने, मीथेन गैस खान में पानी भरने की वजह से, या खान खोदने की वजह से। बताइए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, विस्फोटक में आग लगने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, विस्फोटक में आग लगने से सही आंसर। देखिए दोस्तों, आंसर करेक्ट विस्फोटक में आग लगने से। चलिए देखिए दोस्तों, गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है कौन से खान में? चलिए दोस्तों, सोना कौन से खान में पाया जाता है? तो आप इसका देख लीजिएगा, जादूगोड़ा खान तो यूरेनियम के लिए है, रझरिया खान तो कोयला के लिए है, तो इसका बच्चा कौन सा? रखा खान। जी हाँ दोस्तों, रखा खान इसका सही आंसर होगा, रखा खान सही आंसर होगा, सोना रखा खान में पाया जाता है। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पाया जाता है डैश क्या दोस्तों? तो झारखंड एकमात्र ही ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ कोकिंग कोयला, जी हाँ दोस्तों, कोकिंग कोयला है, जहाँ पे कोकिंग कोयला है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड में भारत का लौह अयस्क का कितना प्रतिशत? झारखंड में इसका, झारखंड में लौह अयस्क जो है ना, भारत का, पूरे भारत का 25.7% झारखंड में ही लौह अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, इसे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है अभी ये बदल गया होगा, क्योंकि ये इसका रिपोर्ट जब जारी होता है तो साल दो साल में बदल जाता है, तो इसे करंट में अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, लेकिन उस समय का तो ये 25.7% था, ज़्यादा बदलाव नहीं होता है दोस्त, 1-2% या फिर 0.1% कुछ होता है, तो आप लगभग भी मार सकते हैं। मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा करता है? जी हाँ दोस्तों, जब मानसून लौटते समय तो किस महीने में झारखंड में वर्षा होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सितंबर से नवंबर। जब मानसून लौटते समय तो झारखंड में सितंबर से नवंबर में वर्षा होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जनजातियाँ शिकार से शिकार संग्रहकर्ता के प्रवर्तक प्रकार करते? ठीक है दोस्तों, चलिए बताइएगा दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन बिरहोर, कोरवा खरिया पहाड़, मुंडा संथाल, ऑप्शन सी औरवा खरिया, औरव खरिया, ऑप्शन डी असुर बन जाते। इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों, बिरहोर, कोरवा एवं खरिया पहाड़। जी हाँ दोस्तों, ये शिकार से थे संबंधित। चलिए आगे देखिएगा, 2001 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा है? जी हाँ दोस्तों, कौन ऐसी प्रजाति जिसकी महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा थी 2001 के हिसाब से? तो 2001 के हिसाब से महिलाओं से ज़्यादा पुरुष था खरिया में। ठीक है दोस्तों, खरिया और हो में, जी हाँ दोस्तों, खरिया और हो में जिसमें महिलाओं की ज़्यादा संख्या पुरुष है, ये 2001 जनगणना का दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा,
महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? जी हाँ दोस्तों, महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? चलिए इसका सही आंसर दिएगा दोस्तों, मुंडा विद्रोह, संथाल हो, उराव। महाली और कंपट इसका सही आंसर होगा मुंडा विद्रोह का। ठीक है दोस्तों, मुंडा विद्रोह का इसका सही, महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा था? मुंडा विद्रोह। एक शाखा खोला गया था जिसे महाली कंपट का आया था मुंडा विद्रोह के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक? जी हाँ दोस्तों, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी, अंशु तलाकरा, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पंडित। जी हाँ तो इसका सही आंसर होगा दीपिका कुमारी। ठीक है दोस्तों, दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिएगा दोस्तों, झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, यानी कि दोस्तों इसमें देखिएगा थोड़ा मिसप्रिंट, झारखंड राज्य एकमात्र राज्य किस चीज़ का उत्पादन करने वाला है? ठीक है दोस्तों, बताइएगा, तो झारखंड ही एकमात्र राज्य है जो उत्पादन करता है उस चीज़ का, तो वो बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर पायराइट। जी हाँ दोस्तों, पायराइट जो होता है सिर्फ झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, महाश्वेता देवी का ऐतिहासिक कथा अर्नियर अधिकार डैश पर आधारित है। बताइएगा दोस्तों, महाश्वेता देवी का जो अनेर अधिकार था किस पे आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंडा विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर मुंडा विद्रोह होगा। देखिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह जो है इसका सही, महाश्वेता देवी का जो ऐतिहासिक कथा था अर्नियर अधिकार जो था मुंडा विद्रोह से संबंधित। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कर्म देवता की पूजा कर्म त्यौहार पर होती है जो कि किस देवता के लिए होता है? कर्म देवता। जी हाँ दोस्तों, कर्म देवता, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका शक्ति, यौवन और जवान। जी हाँ दोस्तों, कर्म देवता शक्ति, यौवन और जवानी के लिए कहता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा का नाम से जानी जाती है? गोनोंग। जी हाँ दोस्तों, गोनोंग किस, बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो गोनोंग का, जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर दिया गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा का नाम से, तो सही आंसर होगा दोस्तों हो। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में गोनोंग वधु मूल्य प्रथा के नाम से जाने जाती है। चलिए आगे देखें दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 23 से 24। जी हाँ दोस्तों, 23 से 24 होगा। देखे दोस्तों, 370 तो जम्मू कश्मीर से, 14-15 समानता का है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप छाट सकते हैं इसको। चलिए हो जाएगा आपका 23 से 24। चलिए आगे देखें दोस्तों, झारखंड में किस लोक नृत्य का जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुष के द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड में किस लोक नृत्य का जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर दिएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा, पणिनिया नृत्य, जोगा नृत्य, झर नृत्य, कर्म नृत्य। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पणिनिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, जो पुरुष के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन 21 में झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है? जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी का तालाब है, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, तो गर्म पानी का तालाब कहाँ दोस्तों? अभी मैंने आप लोग को बताया था, तो देखिए इसका सही आंसर होगा धनबाद। गर्म पानी का तालाब कहाँ दोस्तों? धनबाद में। ठीक है दोस्तों, जिसे गर्म जलकुंड भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, उत्तर कोकिल सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? ठीक है दोस्तों, उत्तर कोकिल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, उत्तर कोकिल सिंचाई परियोजना ये बहुत दिन से बंद था। चलिए बताइए दोस्तों, यह है झारखंड और उड़ीसा से। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, झारखंड और उड़ीसा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है? भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नामकुम। ठीक है दोस्तों, नामकुम यानी कि नामकुम जो रांची में, चलिए इसका सही आंसर नामकुम होगा। झारखंड के सम्राट स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जी हाँ दोस्तों ध्यान नहीं कराई गई है? औद्योगिकरण में सहायता, सीखने के केंद्रों पर स्मार्ट बना दिया ना, कागज रहित पंचायत कर, प्रगतिशील तकनीकी द्वारा कृषि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों औद्योगिकरण की सहायता, यही जो है स्मार्ट ग्राम योजना में नहीं कराई गई। ठीक है दोस्तों, यानी चलिए आगे देखिएगा, 25वां क्वेश्चन, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं? जी हाँ दोस्तों, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा,
पर्वतपुर, जी हाँ दोस्तों, एशिया का प्रथम जो कुआं है मीथेन गैस का, वो पर्वतपुर में स्थित है। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? जी हाँ दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, महेशपुर की रानी ने। महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था। आगे देखें तो रणधीर प्रसाद वर्मा को सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, रणधीर प्रसाद वर्मा को किस से सम्मानित किया गया था? तो अशोक चक्र। जी हाँ दोस्तों, रणधीर प्रसाद वर्मा अशोक चक्र से सम्मानित किए गए थे। राज्य के उजाला स्कीम के तहत क्या बांटा गया? राज्य का उजाला स्कीम के तहत क्या बांटा गया? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसके तहत बांटा गया था, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, LED ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखा। जी हाँ दोस्तों, दोनों बांटा गया था। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों खरबार। जी हाँ दोस्तों, खरबार जो अपने आप को बहुत लड़ाकू वीर योद्धा भी मानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, संथाल जब झारखंड में प्रवेश नहीं किया था, उससे पहले संथाल को खरवार के नाम से ही जाना जाता था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 30। एंटी कन्वर्शन लॉ पास कराने वाला झारखंड राज्य कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 9th। जी हाँ दोस्तों, नौवां राज्य है एंटी कन्वर्शन लॉ पास करने। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, ये तो अब बदल गया है, इसे देखिए मत, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो याद रखिए दोस्तों, चंद्र प्रसाद सिंह, अगर हो सकता है पूछ दे कि पिछले बार का जो विधानसभा का पिछले बार जो थो कैबिनेट मंत्री थे झारखंड के, उसके अगर पूछे सवाल तो आप याद रख सकते हैं ऐसे चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। चलिए आगे देखते हैं, रांची में पहली स्थायी लोक अदालत शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, रांची में पहली स्थायी लोक अदालत कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2002। जी हाँ दोस्तों, 2002 में रांची में पहली लोक अदालत शुरू हुई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 2017-18 का बजट का अनुमान के मुताबिक झारखंड को लगभग कितने करोड़ रुपये का बजट? जी हाँ दोस्तों, 17-18 का बजट के हिसाब से झारखंड में 7700 करोड़ रुपए का बजट का राजस्व घाटा हुआ। जी हाँ दोस्तों, कितने रुपए का राजस्व घाटा हुआ था? तो 7700 करोड़। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, झारखंड में वित्त वर्ष 2017-18 के रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया गया 17-18? तो ये बनाया गया था गरीब कल्याण वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 35। 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड कि कितने शहर भारत के 100 स्वच्छ शहरों में आए थे? तो झारखंड के लगभग दोस्तों 4 स्वच्छ शहर आए थे, याद रखिएगा 4, 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार। चलिए आगे देखिए 136 नंबर में, रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार के, जी हाँ दोस्तों, उस समय जो शहीद ग्राम विकास योजना का, उस समय 1000 दिन पूरा होने पर उन्होंने इस योजना को लागू किया था। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति? जी हाँ दोस्तों, इसको बताइएगा, मैंने अभी बताया कि वीर लड़ाकू अपने आप को कौन मानते थे, खरवार, तो खरवार वीर लड़ाकू और बहादुर जनजाति थे। ठीक है दोस्तों, झारखंड का छोटा नागपुर इलाके में कई झरने, इनमें से कौन सा इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने? छोटा नागपुर में सबसे अधिक इलाके में झरना कहाँ है दोस्तों? तो ये है रांची में। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा झरना छोटा नागपुर इलाके में रांची में है, झारखंड में भी सबसे ज़्यादा झरना रांची में ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों देखिएगा आगे क्वेश्चन। 1757 में प्लासी लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? जी हाँ दोस्तों, 1757 जब सिराजुद्दौला ने प्लासी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उन्होंने जो है दोस्तों राजमहल, जी हाँ दोस्तों, राजमहल पर कब्जा कर लिया था, करेक्ट आंसर देखिएगा दोस्तों राजमहल। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन, इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? तो बताइएगा दोस्तों कला, जी हाँ दोस्तों, झारखंड का एक कला के रूप में तो वो आंसर होगा दोस्तों ढोकरा। ढोकरा जो है झारखंड का एक कला है, देखिए दोस्तों ढोकरा। चलिए दोस्तों, ये तो आज मेंस के लिए जो झारखंड का सब इंस्पेक्टर में पूछे गए क्वेश्चन थे मेंस में, झारखंड के और विज्ञान के दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगले शिफ्ट में फिर मिलते हैं दूसरे एग्ज़ाम को, ये तो पहला दिन का एग्ज़ाम था, दूसरे दिन का एग्ज़ाम को लेके भी 5 एग्ज़ाम हुए थे मेंस में, वो सारे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, फिर PT का भी कंप्लीट करा दूंगा, जो झारखंड JSS CGL का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले क्लास में।